अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सभी अस्पतालों में मिले कोविड मरीजों को इलाज, भाजपा युवा नेता निशांत भगत की मांग, संक्रमितों की मदद के लिए शुरू करेंगे सहायता केंद्र। भाजपा युवा नेता निशांत भगत ने नई मुंबई के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में कोविड का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की मांग की है। एक अधिसूचना का हवाला देते हुए निशांत भगत ने मीडिया को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने पीएम आरोग्य योजना एवं महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के जरिए कोविड संक्रमित मरीजों का मुफ्त इलाज करने का फरमान जारी किया है, लेकिन एक महीने गुजरने के बाद भी नई मुंबई महानगर पालिका इसे लेकर नागरिकों को जागरूक करने को तैयार नहीं है और इसलिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए चुकाकर इलाज कराना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के ओर से जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो जाहिर की है, जो 23 मई को उन्होंने सूचना जारी की है, उस हिसाब से आज कम से कम एक महीना उलट गया हुआ है और ये स्कीम की जानकारी आज तक ना कॉरपोरेशन ने दी है ना स्टेट गवर्नमेंट ने नई मुंबई शहर के लोगों को दी है। तो नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था की ओर से हम लोग ये जन जागृति की तौर पे हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो पंतप्रधान जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, ये योजना की जानकारी देने का काम सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं और बल्कि ना कि जानकारी देने का काम, उसके ऊपर जाके हर एक पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को और समाज के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को हम बताना चाहते हैं कि हम कोविड 19 मदद केंद्र भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं जो कल सुबह 11 बजे से एक्टिव होगा। कोरोना पेशेंट जो 2 महीना पहले उन्होंने उपचार लिया है, इलाज लिया हुआ है पेशेंट ने 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक अमाउंट भरा हुआ है, उनको वो योजना के तहत वापस रिटर्न वो उनको पैसा दिलाना चाहिए, वो भी हम लोग ने डिमांड किया है। जो शासन काम करना चाहिए था वो हम लोग को करना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्दैवी की बात है कि कमिश्नर साहब को जिस दिन लेटर मिला था उस दिन से उन्होंने आज तक किसी भी नई मुंबई के किसी को भी बताया नहीं। तो हम लोग की डिमांड यही रही कि जल्द से जल्द ये योजना का लाभ सब लोग को मिले। बता दें कि नई मुंबई में कुल 7 हॉस्पिटलों को आरोग्य योजनाओं के जरिए मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। निशांत भगत की माने तो इनमें से 3 या 4 हॉस्पिटल अभी भी उपचार देने को तैयार नहीं है और कोविड संक्रमित मरीजों को वापस लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको इलाज मिलना जरूरी है, इसलिए हम लोगों को जागरूक करने के साथ ही शहर के 9 ठिकानों पर कोविड सहायता केंद्र स्थापित कर रहे हैं जहाँ से जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल की सुविधाएं दिलाने की पहल की जाएगी। इस पूरे नई मुंबई के अंदर रजिस्टर किए हुए 7 हॉस्पिटल्स है, जिसमें तेरना, डीवाई पाटिल, एमजीएम, इंद्रावती, शुश्रूषा हॉस्पिटल और मंगप्रभु हॉस्पिटल, ऐसे 7 हॉस्पिटल्स है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में आज भी कोरोना का पेशेंट नहीं लिए जाते तो वो स्कीम कैसे वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग की डिमांड है कि आज की तारीख में यहाँ पे अपोलो जैसा हॉस्पिटल है, रिलायंस जैसा हॉस्पिटल है, फोर्टिस जैसा हॉस्पिटल है, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है यहाँ पे भी ये योजना लागू की जाए, इसके लिए हम लोग ने डिमांड की है। और ये जो योजना आज योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे, वो योजना जल्द से जल्द और सीधे तरीके से और सुलभ तरीके से कैसे उनको वो योजना का लाभ मिल सकता है, इसके लिए हम लोग ने वो डिमांड किया हुआ है। ये योजना के अंदर जो कॉरपोरेशन के तरफ से और गवर्नमेंट के तरफ से जो भी वहाँ पे सोशल वर्कर एज अ काम कर रहा है उनका नाम डिक्लेयर करो ताकि इजीली उनके पास जाके वो योजना का लाभ उठा सके। साथ ही साथ इस हॉस्पिटल के अंदर कोरोना पेशेंट के लिए मुफ्त में उपचार उनको दी जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ट्रस्ट के नाम पे फ्री में जमीन ली है और वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है। इसके लिए हम लोग की डिमांड है कि उन लोगों ने फ्री में उन लोगों ने वो कोरोना पेशेंट को उपचार देना चाहिए। ये सूचना निकली थी जिसमें ये 23 मई को निकला है और कमिश्नर साहब को मेरे ख्याल से ये 18 पॉइंट में लिखा हुआ है कि जिला अधिकारी और आयुक्त महानगर पालिका सर्व, मतलब सभी महानगर पालिका के कमिश्नर को ये लेटर 23 मई को गया हुआ है। अभी उन्होंने क्यों छिपाया और किसको फ़ायदा देना था ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक नई मुंबई शहर का मैं एक युवा कार्यकर्ता एज अ कार्यकर्ता
मेरी जवाबदारी है कि ये जानकारी जब भी मेरे को मालूम पड़ा उसके दूसरे दिन मेरे को सबको बताना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं मेरी जिम्मेदारी से मैं चूक नहीं सकता हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने बताया। किसने क्यों छिपाया क्यों नहीं छिपाया उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पहली बात तो प्रशासन के तरफ से बाकी कॉरपोरेशन कंपेरिजन करने जाएंगे, नई मुंबई की हालत ऐसे है कि कोरोना का जो टेस्ट होता है स्वैब आना चाहिए वो 12 दिन के बाद आ रहा है, 10 दिन के बाद आ रहा है, बाकी ठाणे कॉरपोरेशन में 24 घंटे के अंदर आ रहे हैं। तो अपना 12 दिन 10 दिन क्यों लग रहा है, यही सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। तो ये सबसे गलत है कि प्रशासन के ओर से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और रिपोर्ट अपना 10-12 दिन के बाद आ रहा है, तो आप सोचो वो कितनी मात्रा से अपने यहाँ पे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।